व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आज हमने ये नहीं कहा कि आपका स्वागत है एमके आर्ट्स हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि आप जानते हो। ठीक है, चलते हैं, इसको शुरुआत करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जान देखेंगे इसकी। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अफर्मेटिव में इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा सेल प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम किसके साथ विल का यूज़ करेंगे और किसके साथ सेल का यूज़ करेंगे, तो देख लेते हैं ज़रा। देखिए, केवल आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता है, बाकी चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी दिया हो, सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? केवल और केवल आपका आई है और वी है जिसके साथ हम सेल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट। हाँ, वह आज स्कूल जाएगा। वह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ही। अब ही के साथ क्या विल या शेल? विल। जाने को अंग्रेजी में गो। कहाँ? टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। कितना आसान है बनाना। तुम किताब पढ़ोगे? यू। तुमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ विल। क्या करोगे? रीड। क्या रीड करोगे? किताब, द बुक। यू विल रीड द बुक। ठीक है, इसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। हाँ, तो नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो नेगेटिव में क्या लिखा है? बस ये करना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है विल शेल, यानी विल या शेल के बाद नॉट लगा देते हैं। बस सिंपल सी बात, बाकी टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर। वह कल बाजार नहीं जाएगा। ही विल लगेगा भाई, क्योंकि आई और वी के साथ ही शेल लगेगा। ही विल नॉट, नहीं लगेगा ना नॉट यहीं पे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ लिखा ही विल नॉट गो टू कहाँ? मार्केट। अब कब जाएगा? कल। कल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टुमारो। टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। अब टुमारो, अब यहाँ पे स्टरडे क्यों नहीं लिखा गया? देखिए पास्ट टेंस में स्टरडे लगता है और फ्यूचर टेंस में आपका टुमारो लगता है, यानी आने वाले कल के लिए टुमारो और गुजरे हुए कल के लिए हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं। चलिए अगला इसका देखते हैं। तुम आज सेब नहीं खाओगे। यू। फिर से आपका विल आ जाएगा, अभी तक सेल एक भी नहीं मिला। यू विल नॉट ईट एप्पल्स। और कब? यू विल नॉट ईट एप्पल्स कब? टुडे। टुडे का मतलब आज, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए। बढ़ते हैं इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको शुरुआत में क्या लगा मिल जाता है। तो इसमें एक इसका फॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि भैया जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें है हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, जैसे विल और शेल आपका जो है इसमें दिया हुआ है। विल शेल जो भी आपका दिया हुआ है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो वह है, यानी हमें विल लगाना पड़ेगा। ही लिख लेंगे। खाने को क्या बोलेंगे? ईट क्या? मैंगो। विल ही ईट मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल सा सेंटेंस है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं पेन का। तो दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, क्या मोहन पानी पिएगा? सिंगुलर है, विल का यूज़ कर लो, जाहिर सी बात विल यूज़ कर लो। विल मोहन पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। क्या पिएगा? वाटर। लो बन गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी लगा। ठीक, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ज़रूरी है। चलिए इसके इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, दिए हैं आपके सामने। इसमें क्या होता है? कर्ता एक बार नॉट लगाना होता है। कर्ता के
बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? तो वह है तो विल लगेगा, विल ही, जैसे ही मिल गया, यानी कर्ता मिल गया, नॉट लगा दो, विल ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे? इसको अपने आप बना सकते हो, एक बार पॉज करो, खुद बनाओ। हाँ चलिए अब हम बनाते हैं। क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे? तुम है फिर भी विल आएगा। सेल का यूज़ नहीं किया था हमने, सेंटेंस ही नहीं बना। चलो अभी एक बना के दिखा देते हैं। विल यू नॉट रीड द बुक? विल यू नॉट रीड द बुक क्वेश्चन में लास्ट में लगा दो, हो गया सेंटेंस। चलिए इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक सेल वाला बता ही देंगे, अभी लास्ट में बता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके। यहाँ पर दिया हुआ है आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड आप उठा लीजिए। जैसे कि आपको हर एक वीडियो में, हर एक टेंस में आपको समझाया जा रहा है, जो हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा। सेकंड टाइप वर्ड को उठाते हैं, कहाँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेयर। अब फिर आपको सेकंड टाइप वर्ड हो गया, यहाँ से उठा लिया, अब बचा इंट्रोगेटिव, यानी कहने का मतलब अब सेंटेंस को क्या कर देना है? इंट्रोगेटिव कर देना है। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? देखिए वेयर, अब यहाँ वाह है, विल तो लगेगा ही। वेयर विल ही, जाने को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? गो। और आज के लिए क्या बोलेंगे? टुडे। वेयर विल ही गो टुडे। दूसरा है अब तुम क्या खाओगे, क्या करोगे? तो यहाँ पर क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉट। और यहाँ पर तुम है तो विल का यूज़ करेंगे, विल यू, वॉट विल यू, करने को अंग्रेजी में डू बोलते हैं और अब को अंग्रेजी में नाउ बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका लास्ट पार्ट है, इसके सिक्स पार्ट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं और अभी ये प्रॉमिस किया कि शैल वाले भी बताएंगे तो सेंटेंस तो भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्यों क्यों अंग्रेजी उठाएंगे, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? वाई विल यू नॉट स्टडी, ठीक है। दूसरा है वह क्या नहीं करेगा, क्या क्या अंग्रेजी लिखेंगे? वॉट विल ही नॉट, वॉट विल ही नॉट, करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक हम शैल वाला बता देते हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक हम अलग से बता देते हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो क्या बनेगा इसका? वी शैल नॉट गो टू स्कूल। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया है, इस तरीके से हम शैल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके सिक्स पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर कीजिए कि सर आपका वीडियो कैसा है, कमेंट करके आप बताइए ज़रूर, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे अंदर हौसला पैदा करता है और अच्छा और बेहतर करने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।